तो भाइयों इस पे ध्यान मत देना क्योंकि ये बंदा सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ही व्यूअर्स, तो की हाल चाल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पांच ऐसे अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में जो आपको देखने मिलते हैं 15,000 के अंदर। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों का स्मार्टफोन पे इंटरेस्ट दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है और लोग सर्च करते हैं भाई नेक्स्ट मंथ कौन सा फ़ोन आने वाला है, इस मंथ कौन सा नया फ़ोन आने वाला है। तो आपका काम आसान करने मैं लेके आया हूँ आपके लिए पाँच ऐसा स्मार्टफोन जो 15,000 में आपको सस्ता नशा नहीं बहुत ही कमाल का नशा करवा देगा, जिसमें पबजी तो आप बहुत ही कमाल का खेल ही सकते हो और कैमरा भी दमदार मिल ही जाता। तो वीडियो को प्लीज़ टिल द एंड देखना। बस आपके लिए मैं लेके आया हूँ पांच स्मार्टफोन्स जो 15,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो का लाइक करते हैं 300 लाइक्स, तो प्लीज लाइक करके कंप्लीट कर देना और ऐसी कमाल की वीडियोस अपने होम स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड जो पहला फोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स का नोट 7 फोन बहुत ही कमाल का है, 6.95 इंचेस का HD प्लस वाला आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने मिलता है जो बहुत ही कमाल का देखने में लग रहा है। सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको मिलने वाला है मीडियाटेक का हीलियो G70 का प्रोसेसर जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो है ही और बैटरी इफिशियंट भी है। तो बैटरी की बात छिड़ गई तो बात कर लेते हैं बैटरी कितना देखने को मिलता है। तो 5000 mAh का मैसिव बैटरी है जो बहुत ही अच्छी बात है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है इस फोन में जो निकल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। इसमें आपको देखने मिलता है 16 MP का सेल्फी और बैक में आपको देखने को मिलता है 48 MP का प्राइमरी कैमरा जो बहुत ही अच्छी बात है। ये फोन बाहर के कंट्री में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में आने का बस वेटिंग है, बहुत ही जल्दी आ सकता है। ये फोन आपको नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही कमाल की बात है, मतलब जून के फर्स्ट वीक तक आप इस फोन का इंतजार कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं प्राइसिंग की, बाहर में आपको ये फोन देखने को मिल रहा है 15,000 के अराउंड अंदर, लेकिन आपको ये इंडिया में डेफिनेटली कम देखने को मिलेगा। डॉलर्स पे भरोसा मत करना क्योंकि डॉलर्स हमेशा ज़्यादा चलता है और इंडियन रुपया पे भरोसा करना क्योंकि यही हमेशा सही रहता है। तो 4 GB की रैम और 6 GB रैम के साथ में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी बात है। डिज़ाइन सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें को डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलता है। सर्कुलर फॉर्म में आपको बैक कैमरा यूज़ किया गया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब डिज़ाइन को अगर आप कंपेयर करते हैं किसी फ्लैगशिप फ़ोन से ना तो कम निकल के नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फ़ोन देखने में लगता है लेकिन प्राइसिंग बहुत ही अफोर्डेबल होने वाला है। तो अराउंड 12 से 13 हज़ार के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा G7 के साथ में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप वेट कर सकते हैं नोट 7 का। तो फ्रेंड अगला फोन आता है वो आता है रेडमी तरफ से, रेडमी का 9। जी हाँ फ्रेंड, रेडमी 9 सीरीज़ बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है। अभी बात कर लेते हैं कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि क्या क्या आपको देखने को उसमें मिल रहा है जो जो कन्फर्म हो चुका है। मीडियाटेक का G70 कन्फर्म हो चुका है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा, साथ में 5000 mAh का मैसिव बैटरी भी होने वाला है, साथ में 13 MP का सेल्फी कैमरा भी यूज़ किया जाएगा। तो डिज़ाइन के ऊपर बात करें तो ये आपको पोको के X2 जैसा देखने को मिल सकता है। सर्कुलर फॉर्म में आपको बैक में कैमरा देखने को लग रहा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का आने वाला है रेडमी का 9। ज़्यादा कुछ स्पेशल सामने नहीं आया है लेकिन कन्फर्म है ये भी फ़ोन आपको आने वाला है, इस मंथ के एंडिंग तक आ सकता है नहीं तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, प्राइसिंग आपको अराउंड 9,000 में देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो फ्रेंड मेरा फोन आता हुआ था रेडमी सबसे, रेडमी का नोट 9 बहुत जल्दी आपको ये इंडिया में देखने को मिलने वाला है क्योंकि ये इंडिया का एक सर्टिफिकेशन पेज में भी देखने को मिल गया था, लिस्ट हो चुका है। तो बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर, तो ये फोन में आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस वाला IPS डिस्प्ले जो पंच होल कैमरा के साथ में आने वाला है। बैक साइड में वो क्वाड कैमरा सेटअप जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 MP का निकल के आ गया है। तो बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा जो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं 5020 mAh का मैसिव बैटरी होने वाला है जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा 18 वॉट का जो निकल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया है। बात करते हैं यहाँ पे प्रोसेसर को, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मीडियाटेक का हीलियो G85 वाला लेटेस्ट चिपसेट जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बैटरी इफिशियंट भी है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो नोट 9 का आप वेट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ोन होने वाला है जो बताया जा रहा है आपको 15,000 के अंदर में आएगा, मतलब ये फ़ोन आपको 12 से 13 हज़ार के अंदर आपको देखने को मिल सकता है इंडिया में। तो अगर आप वेट कर सकते तो वेट कर लेना, ये फ़ोन सीधा सीधा टक्कर लेने वाला है नार्जो सीरीज के साथ में जो रेडमी बहुत ही जल्दी लॉन्च करेगा। तो ये फ़ोन डेफिनेटली इस मंथ के एंडिंग तक आ जाएगा और उससे पहले भी आ सकता है, तो अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, कमाल का फ़ोन रेडमी नोट 9 आने वाला है। तो फ्रेंड मेरा फोन आता हुआ था इन्फिनिक्स सबसे, इन्फिनिक्स का हॉट 9। जी हाँ फ्रेंड्स, हॉट 8 के सक्सेसर के बाद हॉट 9 आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा तहलका मचा देगा। हॉट 8 बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ है इंडिया के अंदर क्योंकि प्राइसिंग बहुत ही कमाल का था इन्फिनिक्स का। तो अब इसका सक्सेसर इन्फिनिक्स हॉट 9 आने वाला है जिसमें आपको मिलने वाला है 6.6 इंचेस का डिस्प्ले। कन्फर्म इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन बाहर के कंट्री में लॉन्च हो चुका है, बस इंडिया में आने का वेट है, लॉन्च होने का वेट है। तो 6.6 इंचेस का HD प्लस वाला आपको पंच होल कैमरा और डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो देखने में
बहुत ही अच्छा आ गया है। 16 MP का सेल्फी आपको पंच होल में देखने को मिल गया है। बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेट में प्राइमरी कैमरा 13 MP का आ गया है और वैसे ही आपको देखने को बाकी का कैमरा मिल जाता है। 5 mAh का मैसिव बैटरी इसमें भी आपको देखने को मिल गया है, लेकिन प्रोसेसर फिर से इतना कुछ खास नहीं है। P35 वाला प्रोसेसर यूज़ किया गया है जो एक डिसेंट प्रोसेसर है, मतलब प्राइसिंग इसका बहुत ही कम होने वाला है। तो बात करते हैं प्राइसिंग, तो डेफिनेटली ये फोन आपको 8000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा कमजोर यूज़ किया गया है, लेकिन इसमें आप फिर भी गेम प्ले कर सकते हो। ऐसा नहीं कि प्ले नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बोल सकते हो कि इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, तो इसका प्राइसिंग डेफिनेटली कम होने वाला है। तो 8000 के अंदर अगर आपको नॉर्मल यूजेस के लिए कोई फ़ोन चाहिए, मतलब अगर आप गेमिंग नहीं खेलना चाहते हो, तो आप इस फ़ोन का वेट कर सकते हो। इन्फिनिक्स हॉट 8 का बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले बड़ा है और डिस्प्ले में पंच होल कैमरा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए सूटेबल होगा जो गेम ज़्यादा नहीं खेलते हैं, नॉर्मल बस गेम खेलते हैं। पबजी चल जाएगा इस फ़ोन में, लेकिन प्रोसेसर में इतना दम नहीं है, तो हल्का फुल्का तो आपको लैग देखने को मिल ही जाएगा। तो कुछ इस तरह का हॉट 8 आने वाला है। डेफिनेटली ये फ़ोन आपको 8000 के अंदर आएगा, 8 से 8.5 हज़ार में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो अगर आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। ये फ़ोन आपको नेक्स्ट मंथ के मिड तक देखने को मिल सकता है इंडिया में, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, पता ही है आपको, और क्या मैं बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो जो हमारा आखिरी फोन आता है वो आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला का G8 पावर लाइट। नाम सुनने कुछ अलग नहीं लग रहा, पावर के साथ लाइट पता नहीं मोटरोला ने क्यों लगाया, लेकिन कुछ इस तरह का फ़ोन आने वाला है। मतलब पावर भी है, लेकिन इसका एक लाइटर वेरिएंट में पावर यूज़ किया गया है। तो 6.50 inches का आपको HD+ डिस्प्ले है जो वाटर प्रूफ नॉच के साथ में आता है। 5000 mAh का मैसिव बैटरी है, 4 GB की रैम, 64 GB वेरिएंट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर बात करें तो P35 देखने को मिल गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 16 MP प्लस 2 MP और 2 MP का। तो इतना जल्दी मैं इसलिए बता दिया क्योंकि फ़ोन में इतना कुछ दम नहीं है, प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी अगर आप मोटरोला के फ़ैन हैं, मोटरोला का फ़ोन पसंद है, तो आप ले सकते हो। ये फ़ोन आपको अप्रॉक्स 12000 के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 12000 के अंदर, मतलब 10000 से 11000 के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। तो अगर आप वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हो, लेकिन फ़ोन में इतना कुछ खास दम नहीं है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरह का 5 फ़ोन आने वाला है जो कन्फर्म हो चुका है और बहुत जल्दी आपको इंडिया में भी झंडा गाड़ने वाला है। तो कुछ इस तरह का फ़ोन देखने को मिलने वाला है। आज का अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ रोज़ाना देखने जाते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री सब्सक्राइब हो ही जाता है। तो चलो फिर अब एक रैंडम कमेंट भी करते हैं, देखते हैं आज का शाउटआउट किसको जाता है भला। तो फ्रेंड्स, आज का शाउटआउट है गौरव टेक्निकल को। तो रवि तो मेरे में ऐसे फीचर होना, तो वीडियो छोटा कमेंट करना, हो सकता है कल की वीडियो में ऐसे ही आपका नाम हो। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते मिलकर चल करते हैं अपने ऐसे ही कनेक्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाई फाई।